अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोहर्रम में बनने वाले खास तरीके के स्टफ चोंगे, जो सबको बहुत पसंद आएंगे। चोंगे तो आपने कई तरीकों के बनाए होंगे, एक बार इस तरीके से जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्टफ चोंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैदा लेंगे। ये 250 ग्राम मैदा है, इसे मैंने छान कर रखा था। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, हल्का सा, आधे चम्मच से भी कम है ये। फिर इसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, इससे आटा नरम बनता है। तो तेल के साथ आटे को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और आटे को गूंद लेंगे। पहले थोड़ा सा डालकर गूंद लीजिए और जरूरत पड़ने पर थोड़ा और डालकर गूंद लीजिए। अब देखिए, आटा मैंने गूंद लिया है। थोड़ा ऊपर से और तेल डालेंगे ताकि आटा सूखेगा नहीं और नरम बनेगा। अब इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और तब तक मेवा बनाएंगे। सबसे पहले एक मिक्सर जार में भुना हुआ चना दाल डालेंगे, यानी कि रोस्टेड चना दाल 1 कप। इसे फुटाने भी कहते हैं, जो नारियल की चटनी में डालकर हम यूज करते हैं वो है ये। इसे पीस कर साइड में रख लेते हैं। एक तरफ मैंने गैस पर तवा गर्म कर लिया था और ये है कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल 1 कप। इसे डालकर भून लेते हैं। गैस की फ्लेम स्लो है और इसी में ऐड करेंगे ये सफेद वाली तिल 1/2 कप। और साथ ही में डालेंगे खसखस 1 चम्मच भर के। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसे हल्का सा भून लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भूनकर हो चुका है, इसे हम एक प्लेट में निकालकर ठंडा कर लेते हैं। अब एक बाउल में पीसा हुआ जो चना दाल था वो डालेंगे। और इसी में जो मेवा ठंडा कर लिया है उसे डालेंगे और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें गुड़ डालेंगे, ये कद्दूकस किया हुआ गुड़ है 1 कप। जितना मैंने चना दाल लिया था उतना ही मैंने गुड़ लिया है, आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गुड़ को ऐसे मसल मसल कर आटे के साथ मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर आटे के पेड़े बनाकर रख ली हूँ। ये 7 से 8 पेड़े बन चुके हैं। अगर आप छोटे साइज के बनाएंगे तो 10 भी बन जाएंगे। तो सूखा आटा भी लिया है मैंने साथ में। और देखिए, तख्ते पर पहले सूखा आटा डस्ट करेंगे, उसके बाद पेड़े को रखकर हल्के हाथों से थोड़ा सा बेल लेते हैं। अब जो मेवा बनाया है उसे ऐसे बीच में डालेंगे 1 चम्मच, और थोड़ा सा ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा डाला है। जितना आटे में समा सकता है बस उतना ही मेवा डालिएगा। अगर ज्यादा डालेंगे तो बेलते समय चोंगा जो है फट सकता है।
तो देखिए किनारों से ऐसे फोल्ड करके मैंने पोटली जैसे बनाई हूँ, और ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा आएगा उसे प्रेस करके ऐसे पेड़ा बना लिया है। अब सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेते हैं। हल्के हाथों से आपको जिस साइज का चोंगा चाहिए उस हिसाब से आप बेल लीजिएगा। तो देखिए इस साइज का मैंने बनाया है। अब एक एक करके सारे चोंगे को ऐसे ही बेल कर रख लेंगे। यहाँ मैं दूसरा चोंगा बना रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा और मेवा डाला है और उसी तरीके से पोटली बनाएंगे। और ऐसे प्रेस करके पेड़ा बना लेंगे। इसी तरह मैंने सारे चोंगों को बनाकर रख लिया है। आप चाहे तो एक एक करके बेलते ही सेक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने तवा भी गर्म कर लिया है। तवे पर पहले थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर चोंगा डालकर सेक लेते हैं। अगर आप इसे मैदे के आटे के बजाय गेहूं के आटे से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाने में वो भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए चोंगा एक साइड से अच्छी तरह सेक चुका है, इसे और पलट लेते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, देखिए चोंगा जो है फूलने लगा है। ऊपर से मैं थोड़ा घी लगा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से चोंगा फूल चुका है, यानी कि हमारा चोंगा अच्छे से सेक चुका है। अब इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरह सारे चोंगे हम सेक लेंगे। ये सारे चोंगों को मैंने सेक लिया है और सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब ऊपर से सारे चोंगों पर ऐसे थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे, और घी के साथ ही ये बहुत ही मजे के लगते हैं, तो इसलिए घी थोड़ा ज्यादा ही डालिएगा। अब मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए, अगर आप इस तरीके से चोंगे बनाएंगे तो एक या दो के बजाय चार चार चोंगे जरूर खाएंगे। तो इस मुहर्रम में इस तरह के चोंगे जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।